चलो भाई, लेट्स डू ए स्मॉल पुल। फक, व्हाट्स अप गाइस, क्या सभी लोग, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड, ब्रांड न्यू कार व्लॉग। कार व्लॉग एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं मेरे चैनल में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ इट इज, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस कार के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज दी मर्सिडीज बेंज जीएलई 53 एएमजी 4MATIC प्लस कूपे, बहुत बड़ा नाम है। एंड इनफैक्ट दिस कार इज सो बिग, दिस इज दी कूपे एसयूवी। सो इस वीडियो में हम इस कार के बारे में देखने वाले हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ड्राइव परफॉर्मेंस, प्रोस कॉन्स और सभी चीजें। सो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना प्यार बताना। एंड थैंक यू 4000 सब्सक्राइबर्स गाइस, आई एम सो ब्लेस्ड, लेट्स गो फॉर 10,000। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट दिस कार, दिखने में बहुत ही मस्कुलर, दिखने में बहुत ही क्लासिक। द डिजाइन ऑफ दिस कार इज लाइक ए सब्जेक्टिव, मैं कह सकता हूँ। कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है, बट फॉर मी इट लुक्स ग्रेट, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। दिस कार इज लाइक ए GLS ऑन ए किट ऑडाइट भाई। आगे से SUV, पीछे से सेडान जैसी लग रही है। एंड दिस इज द क्रॉस ओवर ऑफ SUV एंड सेडान, इट लुक्स ब्यूटिफुल, गॉर्जियस। द प्राइस ऑफ दिस कार इज अराउंड 2 crores इन इंडिया, 2 crore की ये कार है। आई फील स्लाइटली एक्सपेंसिव, दिस कार इज 2 crore भाई, किसको कहते हैं। बट ए कार परफॉर्मेंस देता है, दिस कार डिजर्व्स 2 crore, आई कैन जस्ट श्योरली से, आफ्टर नोइंग द स्पेक्स, आफ्टर नोइंग द पावर, आफ्टर नोइंग द इंटीरियर एक्सटीरियर। बट या, दिस विल कॉस्ट यू मोर देन 2 crore। आई हैव अ कैच फॉर यू, यू कैन बाय दिस कार वे चीपर इन माई चैनल, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि ये कितने में मैं दे रहा हूँ। This car is for sale, guys. So this is the key of this car. Looks crazy. Chrome and carbon fiber का design लगाया गया ऊपर। Stock की तो भाई black color में आता है, लेकिन ये तो ऊपर cover है। Boot button, lock, unlock and Mercedes logo. आगे के portion के बारे में हम बात करते हैं। आगे का जो portion, आगे का जो grill है, this is the Pan Americana grill. The name of this grill is Pan Americana. Sounds weird, but it is what it is. दिखने में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार। Here we have the Mercedes logo. Here we have another Mercedes logo. Here is the AMG logo, fully chrome and fully huge. यहाँ पे तुम देखो तो here we have a vents. जब इसको ब्रीथ करने की जरूरत पड़ती है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाते हैं। Here we have a huge, massive skid, या बम्पर भी कह सकते हो। Aerodynamic vents है, देख सकते हो तुम, there is aerodynamic vents, fully aerodynamic again जिससे। Here we have a 6 parking sensors. Where is the 360-degree parking camera? Here it is. Here is the 360-degree parking camera, which is super crazy. Talking about the engine को ओपन करते हैं, but first we have to find the spot. Heavy है but hydraulic struts मिल जाते हैं thankfully. So talking about this engine, this is the AMG engine, we don't get V8, here is the V6 engine, refined with the Mercedes engineering. This car produces 420 horsepower, 530 Nm of torque, and this is the refined engine, as you can just see, so clean and so neat. उसको छोड़ दो भाई, पता नहीं कहाँ से घुसा है, but it's so clean and simple. AMG batching, Mercedes batching, here is the 6, between 6 V6, yeah. चलो इसको हम क्लोज करते हैं। Here we have a Mercedes light, you can just see, crazy cool. This is DRL, this is also DRL, मतलब ये indicator की तरह भी काम करता है। Here we have a 2 LED projectors. So the side of this car is so huge, almost 5 meter इसका length है, बहुत ही लंबी कार है। Wheel base around 3 meters के आसपास। Air suspensions मिल जाते हैं, adaptive air suspensions and the 21 inches of alloy wheels, crazy alloy wheels, 275, 45, R21, जैसे कि मैंने कहा 21 inches of alloy wheels है। Here we have this diamond cut alloys, there is a disc brake, AMG brake calipers, crazy thing, and a Mercedes logo. Here we have the turbo, not a bi turbo. Here is the 4MATIC plus. Here we have the ladders, here we have these mirrors, here we have this indicator light, Mercedes logo in a chrome with the piano black finish, looks crazy. Yahan pe tum dekho to here we have this blind spot detection. Here we don't have this request sensor and no soft closing doors. I don't know why. 2 crore iski price hai bhai, 2 crore ki ye car hai, but we don't get this stuff. I need the luxury stuff, soft closing door. एक बेस्ट फीचर मैं कह सकता हूँ, बहुत सारे आज के कार में आता है, बट वी डोंट हैव यू एंड वी डोंट हैव द रिक्वेस्ट सेंसर। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं होने की वजह से हम इसको ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, बट नो वरीज, अनलॉक करते हैं। सी 90 डिग्री ऑलमोस्ट ओपन अप हो जाती है, क्रेजी इंटीरियर। हम जाएंगे इंटीरियर में भी। 85 liters ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी। हियर वी हैव दिस टायर प्रेशर इंस्ट्रक्शन, एज आई टोल्ड यू, हियर आल्सो वी हैव द 21 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील्स, बट द साइज ऑफ दिस टायर इज डिफरेंट, 315, 40 आर 21 टायर्स यू गेट हियर। दिस इज द क्रेजीएस्ट स्टफ, आई जस्ट वांट टू शो यू। Mercedes लोगो मिल जाते हैं एंड दिस होल पार्ट लुक्स फ्रिकिंग अमेजिंग एट नाइट। दिन में तुम जज नहीं कर पाओगे, बट ये खतरनाक लगता है। एज वी हैव ए लाइट हियर, इंडिकेटर लाइट्स। पीछे का जो प्रोफाइल है, यू कैन जस्ट सी व्हाट अ क्रेजी शार्प डिजाइन दिस इज। एक SUV और एक सेडान का जो एक ब्रीड है ना, दैट्स दिस GLE बैचिंग, AMG बैचिंग एंड दिस Mercedes लोगो। बट पीछे की तरफ हमें 6 sensors तो मिल जाते हैं, बट वी डोंट फाइंड दैट 360-degree पार्किंग कैमरा, नॉट हियर और नॉट देयर। हियर इज द 360-degree पार्किंग कैमरा और ओपन हो चुका है।
650 टू 700 लीटर्स का हमें यहाँ पे कैपेसिटी मिल जाता है टू कीप योर स्टफ, कीप योर बैग्स। और जब हम इसके सीट को फोल्ड करते हैं 1800 लीटर्स के आसपास हमें चीज़ें मिल जाएगी। सो टॉप डाउन टियर, जैसे मैंने कहा, फ्रॉम हियर यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द हाइट ऑफ दिस कार। अगर आपको ये नीचे करना है देन यू कैन डू इट बाय योर ओन। एंड हियर वी हैव सम स्पेस टू कीप, हियर वी हैव मेडिकेट्स, यू कैन जस्ट सी इट्स सो डीप, दैट्स व्हाट शी सेड। हियर इज द क्रेजीस्ट स्टफ आई जस्ट वांट टू शो यू। Here we have a quad exhaust system. पीछे हमें दो मिल जाते हैं, आगे तो भाई सिर्फ ये डिजाइन है, पीछे हमें एग्जॉस्ट मिलता है नॉट कनेक्टेड विद दिस फोक एग्जॉस्ट क्वाड एग्जॉस्ट एंड दिस इज द डिफ्यूजर। तो दिस वॉज द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। हाउ यू लाइक इट लेट मी नो, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कार कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या जो भी आपका ओपिनियन है, लेट मी नो। ओके, नो सॉफ्ट क्लोजिंग डोर भाई, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर मुझे नहीं मिला है, आई डोंट लाइक दैट थिंग। यहाँ पे तुम देखो तो मर्सिडीज की एनिमेशन मिल चुकी है, वेलकम फ्यूचर AMG एंड मर्सिडीज। गर्मी लग रही है, लेट स्टार्ट दिस का। बहुत गर्मी है, सीट बेल्ट पहनने के लिए बोल रहा है, चलो भाई बंद करो। अभी हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, बट व्हेन ड्राइविंग यू हैव टू वियर द सीट बेल्ट्स। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस मर्सिडीज GLE 53 AMG। लुक्स क्रेजी, लुक्स सोफिस्टिकेटेड, आई कैन जस्ट से बहुत ही प्यारी लग रही है। टॉकिंग फ्रॉम द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से हम बात करेंगे। यहाँ पे तुम देखो तो ये वी हैव द हेडसअप डिस्प्ले, 12.8 इंचेस ऑफ स्क्रीन वी हैव हियर। BMW भी आजकल यही काम कर रहा है भाई, एक सिंगल स्क्रीन दे दो और उसके अंदर ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को मर्ज कर दो। बट हियर ऑल्सो मर्सिडीज इज डूइंग दिस थिंग। आई फील दिस इज अ गुड वे ऑफ शोइंग कार एस्थेटिक्स, प्रीमियम लगता है, बहुत ही शानदार लगता है व्हेन यू हैव अ सिंगल स्क्रीन ओवर योर डैशबोर्ड। सो या हियर वी हैव AC वेंट्स, हियर वी हैव दिस बोमोसर साउंड सिस्टम, 13 बोमोसर साउंड सिस्टम मिल जाते हैं इस कार के अंदर। हियर यू हैव दिस हीटिंग सीट, वेंटिलेटेड सीट्स एंड दिस इज द L सीट। व्हाट इज दिस L सीट, अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं इसको प्रेस करूंगा, अभी ये रेड पे आ चुका है। आई कैन कंट्रोल द पैसेंजर सीट, यू कैन जस्ट सी, आगे और पीछे मैं कर सकता हूँ इसके मदद से, मतलब ड्राइवर साइड पे सारा कंट्रोल मिल जाता है। 3 मेमोरी सीट फंक्शंस एंड हियर वी हैव ऑल रिक्लाइनर फीचर्स, लॉक अनलॉक डोर हैंडल्स, हियर वी हैव दिस बटन टू कंट्रोल द ORVM कंट्रोल करने का बटन है। हियर वी हैव सम स्पेस टू कीप योर बॉटल्स, हियर वी हैव अ बूट ओपन बटन, हियर वी हैव अ कंट्रोलर टू एडजस्ट योर लाइट एंड टर्न ऑन टर्न ऑफ, यहाँ से हम इसके लाइट की थ्रो को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हियर वी हैव दिस इलेक्ट्रिक पार्किंग, क्रेजी डिटेलिंग भाई, देख सकते हो स्टिचेस हर जगह मिल रही है। आई डोंट लाइक द मर्सिडीज इंटीरियर भाई, आई हैव अ रीजन फॉर इट, बिकॉज जो कलर आता है मर्सिडीज का जो इंटीरियर का, वो आता है बेज कलर, जो कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी मेला हो जाता है। थैंकफुली इन दिस कार वी हैव अ ब्राउन एल्कंटारा एंड दी ब्लैक नापालिदा विच लुक्स प्रीमियम, जल्दी गंदा नहीं होगा आई नो, लेकिन जो ऑर्डिनरी मर्सिडीज में होता है ना, जो लेदर का कलर जो होता है बहुत ही जल्दी गंदा होता है। बेज कलर इज अ वर्स्ट कलर, नेवर गो फॉर अ बेज कलर भाई, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कलर तो अच्छा है बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लुक्स प्रीमियम आई नो, बट मेंटेन नहीं कर पाओगे तो भाई क्या प्रीमियम है। सो या हियर वी हैव दिस एयरबैग, 9 एयरबैग्स मिल जाते हैं इस कार के अंदर, सेफ्टी फीचर्स भर भर के मिल जाता है इस कार के अंदर। हियर वी हैव दिस कार्बन फाइबर डिजाइन, नॉट अ रियल कार्बन फाइबर, इट्स जस्ट अ डिजाइन। अगर तुम्हें कस्टमाइज करना हो तो तुम जब ले रहे हो कार, न्यू परचेस करो, तब तुम कर सकते हो द वुडन फिनिश, पियानो फिनिश। हियर वी हैव दिस 4 AC वेंट्स, बहुत ही प्रीमियम है भाई, ये एल्युमिनियम का जो डिजाइन है बहुत ही प्रीमियम शानदार है। AC कंट्रोल कर सकते हो इंडिविजुअली फॉर बोथ पैसेंजर्स, अगर दोनों को एक साथ कंट्रोल करना है तो तुम यहाँ से सिंक बटन दबा के तुम कंट्रोल कर सकते हो। हियर वी हैव द AC रीसेट बटन, वेंटिलेशन, रियर डिफॉगर, हजार्ड लाइट, हियर वी हैव द अनदर डिफॉगर फॉर द मैक्स, हियर वी हैव दिस ऑटो AC, फैन स्पीड बटन। अगर तुम्हें इसके डायरेक्शन को एडजस्ट करना है, पैरों में हवा चाहिए, ऊपर हवा चाहिए, देन हाउ यू विल डू इट। पहली बार मैंने इस कार को जब मैंने चेक किया तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं इसको कहां से करूं। यहां पे मैंने चेक किया तो पता नहीं चला कि कहां से करना है, कंफर्ट में मैंने जाके देखा, यहां पे भी नहीं था, मैं लेटिंग द बस सीट कंफर्ट था, फिर मुझे पता चला कि दिस इज द बटन टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ योर एयर। देखो भाई यहां पे तुम देखो तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। टॉकिंग हियर, मेन थिंग तो यही है भाई, द स्टीयरिंग ऑफ दिस कार, दिस इज द AMG स्टीयरिंग विद द फ्लैट बॉटम AMG लोगो। दिस इज द टॉगल बटन टू कंट्रोल द मोड ऑफ दिस कार, कंफर्ट, डिजिटल, स्नो, ट्रेल, सैंड, सारे मोड्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, स्पोर्ट प्लस में तो भाई एग्जॉस्ट चेंज होता है। जो बटन से इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने का है, यहाँ से तुम टच सेंसिटिव ब्लैकबेरी डिजाइन में कहता हूँ इसको, यहाँ से तुम टच कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कैन जस्ट सी सस्पेंशन, स्पोर्ट एंड ये था इसका टैकोमीटर। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, वी लिफ्ट द पैडल शिफ्टर्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं प्लस माइनस, पर यहाँ पे हमें डाउन अप मिलता है। हियर वी हैव दिस गियर सिलेक्टर्स, नॉट द इंडिकेटर बटन्स, ऊपर जाएंगे तो रिवर्स, सेंटर में न्यूट्रल, नीचे ड्राइव, और इसको हम प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग में पहुंच जाता है। अगर आपको पार्किंग मोड डालना है तो तुम वहां से कर सकते हो। हियर वी हैव दिस, यू कैन जस्ट सी, हियर वी हैव दिस वाइपर्स, और वाइपर्स को तुम देखो तो पानी आगे से नहीं आता है भाई, वाइपर के अंदर से आता है। आई शो यू वन सेकेंड, यू कैन जस्ट सी। पहले मैं कंफ्यूज था कि ये पैड क्यों दिया है मर्सिडीज ने, क्योंकि हमने तो यहीं से कंट्रोल करना है, यहीं से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों एक डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए 3 जगह हमने दिया है, कि मैं कंफ्यूज में था। फिर मुझे पता चला कि जब मैं इसके नेविगेशन में जाऊँगा, जब मैं इसके वेयर टू गो
देन वी विल गेट ए पैड ऑप्शन. मैं इसके साथ राइटिंग कर सकता हूँ. जस्ट सी, क्रेजी थिंग ना. मैं भी शॉक हो गया था कि भाई ऐसे भी कुछ होता है. हियर इज द होम बटन, हियर इज द म्यूजिक चेंजिंग बटन. म्यूजिक आगे पीछे कर सकते हो. बैक बटन, हियर वी हैव द डायनामिक कंट्रोलर. मतलब यहाँ से तुम इसके मोड्स को चेंज कर सकते हो. हियर इज द वॉल्यूम रॉकर. साउंड्स क्रेजी. नेविगेशन एज मैप. हियर वी हैव द रेडियो मीडिया. पता नहीं कौन रेडियो यूज कर रहा है आज के जमाने में. हियर वी हैव द टेलीफोन. हियर दिस फेवरेट थिंग यू कैन डू. हियर इज द कार बटन. हियर इज द पार्किंग कैमरा. पार्किंग कैमरा इज सो स्पेशल, यू कैन जस्ट सी. बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पार्किंग कैमरा है भाई. 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाते हैं. क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी क्रेजी. मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कस्टमाइज करते हैं. ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन है, विच आई डोंट यूज एट ऑल. यहाँ से हम इसके हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं मैनुअली. हियर इज द सस्पेंशन कंट्रोलर एंड दिस इज द एग्जॉस्ट बटन. यू कैन जस्ट सी लाइट ऑन में है. मतलब देयर इज वन थिंग, व्हाट इज दिस, मुझे बताना क्या चीज़ है ये. कमेंट करके बताना, इसका स्क्रीनशॉट लो, गूगल में जाओ और कमेंट करो. मैं तो पहली बार कंफ्यूज हो गया था, फिर मुझे पता चला. हियर वी हैव दिस वायरलेस चार्जर. हियर वी हैव दिस कप होल्डर. हियर वी हैव द टू यूएसबी पोर्ट्स. ये क्लोज भी हो जाता है, ओपन भी हो जाते हैं. बट या, इट्स अ क्रेजी स्टफ. हियर वी हैव अ स्मॉल ग्लव बॉक्स एंड आर्मरेस्ट. इसको हम आर्मरेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं. फिर ये ग्लव बॉक्स भी बन जाता है. या इसके अंदर कुछ चीजें तुम रख सकते हो. ग्रेट स्पेस. यहाँ पे देखो तो सीट लुक्स प्रीटी अमेजिंग. आगे के दो पैसेंजर्स के लिए AMG बैचिंग मिल जाता है. एल्कंटारा फिनिश भाई, लुक्स प्रीमियम. एल्कंटारा का फिनिश ही अलग है भाई, बहुत ही प्रीमियम फिनिश है. ये भी है दी वेंटिलेटेड सीट, हीटिंग सीट, लुक्स स्पोर्टी, लुक्स क्रेजी. ये भी है वैनिटी मिरर्स टू सी योर ब्यूटीफुल फ्रिकिंग फेस. यहाँ पे लाइट मिल जाते हैं. हियर वी हैव माइक. हियर इज द SOS बटन. हियर इज द मी बटन. एंड हियर इज द बटन टू ओपन अप द सनरूफ. ये ऑल दो पूरा ओपन नहीं होगा, बस थोड़ा पोर्शन तक ही ओपन होगा. बस इतना ही ओपन होता है, फिर ये ब्लाइंड्स आ जाते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस यू गेट आउटसाइड दिस कार. यू कैन जस्ट सी. चलो भाई, इसको हम क्लोज कर देते हैं. धूप ज़्यादा है, गर्मी बहुत होगी. फिर भाई आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्वेट. सो या, पीछे के पैसेंजर्स के लिए क्या मिलता है, लेट मी सी. देखते हैं कि ये कितना स्पेशियस है. आगे तो ये बहुत स्पेशियस लग रहा है कार. हियर वी हैव दिस AMG लाइट. रात में ग्लो करता है, दिन में नहीं. एंड हियर वी हैव अ लैडर्स टू क्लाइम इनसाइड दिस कार. 90 डिग्री ओपन अप हो जाता है, बट बैठने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कहूँगा, पर इसका स्टाइल अलग है बिकॉज दिस इज अ कूपे कार. तो मैं पीछे बैठा हूँ. हेडरूम इज गुड एनफ. मेरी हाइट 5'8" है, पर मेरे लिए तो अच्छी खासी हेडरूम. मैं कह सकता हूँ कंफर्टेबली मैं लॉन्ग ड्राइव में जा सकता हूँ. अंदर से तो पता नहीं चलता कि दिस इज ए कूपे कार. इट फील्स लाइक अ ह्यूज कार. इट फील्स लाइक SUV. हियर वी हैव द सेंटर आर्मरेस्ट एंड टू ग्लास होल्डर्स. इस सेंटर आर्मरेस्ट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं. आराम से यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं. चार लोग जा सकते हैं अभी इस पोजीशन में. जब हम इसको ऊपर करते हैं देन यहाँ पे चार लोग नहीं, पांच लोग जा सकते हैं. बट कंफर्टेबली मैं रिकमेंड करूँगा कि चार ही लोग जाओ इस कार में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक हम जैसे दिया गया है बीच में. तुम यहाँ पे बैठ के कंफर्टेबली ट्रैवल नहीं कर पाओगे. इट्स नॉट कंफर्टेबल पोजिशन टू सिट हियर. टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल, टू ACs. हियर वी हैव दिस मैगजीन होल्डर. हियर वी हैव अनदर मैगजीन होल्डर. Here we have this ambient lighting, Burmester sound system, carbon fiber design. पीछे के passengers के लिए ventilated seats नहीं मिलते हैं या फिर कोई recliners नहीं मिलते हैं. This car is specific for driver, I can just say. पीछे बैठ के तुम यहाँ पे आराम से बैठ के जा सकते हो. यहाँ पे तुम बैठ नहीं पाओगे, मैं भी नहीं बैठ पाया 10 मिनट से ज़्यादा. यहाँ पे comfortably तुम बैठ के जा सकते हो. Legroom is good, as you can just see, a good legroom. तीनों passengers के लिए headrest मिल जाते हैं. बहुत ही amazing car, मैं कह रहा हूँ इसको. बाहर निकलने में कोई सच दिक्कत नहीं होती. अगर आपकी हाइट छोटी है देन यू हैव टू क्लाइम इनसाइड दिस कार. माय हाइट इज प्रीटी गुड. सो या, दिस वाज द एक्सचेंज ऑफ दिस कार. सो एज आई टोल्ड यू, दिस कार इज फॉर सेल. बहुत ही अच्छे हमने इफेक्टिव प्राइस में हम इस कार को दे रहे हैं. जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, देर इज ए कॉन्टैक्ट नंबर, गो एंड कॉन्टैक्ट. इसके साथ न्यू 4 टायर्स दे रहे हैं भाई, न्यू टायर्स है इसके. एंड द कार इज वेल मेंटेन, कंपनी मेंटेन कार है. एंड इट्स प्रीटी ऑसम, प्रीटी गुड कार, आई कैन जस्ट से भाई. बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है. If you are looking to buy this, do check out. So, अभी हम जा रहे हैं ड्राइव पे. Let's go. So, we are driving this Mercedes-Benz GLE 53 AMG. भाई, कल मुझे वीडियो कंप्लीट करने के लिए नहीं मिला. आप लोग देख भी सकते हो मेरा कपड़ा बड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि कल बहुत रात हो चुकी है, अभी भी बहुत रात हो चुकी है. बट क्या कर सकते हैं भाई, वीडियो मुझे कंप्लीट करना है. सो या, टॉकिंग अबाउट दिस कार हैज 9-speed TCT gearbox, 420 horsepower, 530 Nm of torque. विच इज अ ग्रेट थिंग, आई कैन जस्ट से. 0 to 100 इज 6 सेकंड में पहुंच जाती है. टॉप स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर्स. क्रेजी परफॉर्मेंस, क्रेजी स्पेक, आई कैन जस्ट से. बहुत ही रिलायबल मशीन में कह सकता हूँ. कार कैन गो ऑन माइल्ड ऑफ रोडिंग. ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे, माइल्ड ऑफ रोडिंग तुम कर सकते हो इस कार में. विच आई कैन से इट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार. एज आई टोल्ड यू, दिस इज द क्रॉस ओवर ऑफ SUV एंड सेडान. फॉर इंडियन रोड्स दिस इज ए स्पेसिफिक गुड कार. इंडियन रोड्स में चलाने के लिए तो भाई ये बेस्ट है. जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमें मोड्स मिल जाते हैं. अभी हम इसको कम्फर्ट मोड में ड्राइव कर रहे हैं. विल शिफ्ट दिस कार टू द स्पोर्ट. एग्जॉस्ट ओपन होता है. कैन जस्ट हियर द एग्जॉस्ट नॉइस.
भाई बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है व्हेन वी ड्राइव दिस कार ऑन हाई स्पीड्स। ब्रेकिंग इज नेक्स्ट लेवल भाई, ब्रेकिंग बहुत ही खतरनाक है। 2 करोड़ के कार के अंदर जो ब्रेकिंग होता है ना इस कार के अंदर, ऑब्वियसली AMG एंड मर्सिडीज है, तो तुम्हें भाई ब्रेकिंग मिलेगा ही मिलेगा। इट्स टू ए स्मॉल पुल, फक, ग्रेट भाई, ग्रेट, फ्रिकिंग ग्रेट। चलो भाई एक स्पेस मिला तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, बट भाई डोंट ट्राई टू ओवरटेक, डोंट ट्राई टू ओवरस्पीड, ओवरस्पीडिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोस ऑफ दिस कार, इंजन रिफाइंड इंजन 3 लीटर V6 इंजन मिल जाते हैं, अच्छा एनएम ऑफ टॉक, अच्छा हॉर्स पावर मिलता है, रिफाइनमेंट मर्सिडीज की तरफ से मिल जाते हैं। सो ये कूपे SUV व्हिच मींस यू हैव अ गुड विजिबिलिटी, अच्छा ऑन रोड ऑफ रोड तुम ड्राइव कर सकते हो, माइल्ड ऑफ रोडिंग कर सकते हो, इंडियन रोड्स के लिए कार बेस्ट है। देखो 2 करोड़ एक्सपेंसिव लगता है, बट ये जो परफॉर्मेंस देता है, जो कंफर्ट देता है, टोटली वर्थ इट मैं कहूंगा। कॉन्स के बारे में बात करूं तो थोड़े थोड़े कॉन्स है। सस्पेंशन, ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं मिलता, तुम एक्सपेक्ट मत करना स्पोर्टी सस्पेंशन में कहूंगा, विच इज अ प्रोस एंड कॉन्स ऑल्सो। इसके अंदर हमें सॉफ्ट क्लोजिंग डोर नहीं मिलता है, इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है भाई, ये छोटे मोटे इसके प्रो कॉन्स में कह सकता हूँ। प्राइसिंग भी कुछ लोगों को कॉन्स हो सकता है 2 करोड़, लेकिन भाई जस्टिस करता है भाई, इट्स अ वर्थ ऑफ मनी, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार दिस इज। सो या इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल डू सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना प्यार बताना। 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेट्स हिट फॉर 10,000। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, टिल देन बाय।